हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप देखेंगे रोटावेटर का जो ब्लेड होता है वो कैसे खोला या लगाया जाता है। तो सबसे पहले एक रेंच की ज़रूरत होती है जिसका नाम है रेचर हैंडल। तो ये रेंच आप देख सकते हैं, तो इससे इसको खोला या लगाया जाता है। और ये 17 नंबर का जो नाट है इसमें लगा रहता है इसी रोटावेटर में, तो इससे वो चेंज होता है। तो ये रेचर हैंडल से आप खोल या लगा सकते हैं।